हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार प्रवासियों के लिए बेहतर इंतजाम का दावा हर सरकार कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। यात्रियों का आरोप है कि किसी तरह की कोई सुविधा ट्रेन में नहीं दी गई है, ऊपर से ट्रेन काफी देर से चल रही है। लोगों ने ट्रैक पर पत्थर रखकर जबरदस्त बवाल किया है। जिस ट्रेन को रोका गया है वो विशाखापट्टनम से समस्तीपुर जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको, यात्रियों ने हंगामा किया है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों ने ट्रेन को रोककर बाकायदा हंगामा किया है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है, ऊपर से ट्रेन काफी लेट चल रही है। लोगों ने ट्रैक पर पत्थर रखकर जबरदस्त वहां पर बवाल किया है, और जिस ट्रेन को रोका है वो विशाखापट्टनम से समस्तीपुर जा रही थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंदौली यूपी की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन के ही यात्रियों ने रोक लिया। उनका आरोप है कि ट्रेन में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है, और ट्रेन उन तमाम दिक्कतों के बावजूद बहुत देर से चलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये सब परेशान है। और रणवीर जुड़ गए हमारे साथ। रणवीर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो विशाखापट्टनम से बिहार के समस्तीपुर जा रही थी, और दो दिन से लगातार ट्रेन चल रही है, जहां तहां ट्रेन को रोक दिया जाता है। क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, इसलिए ना पेंट्री है और न ही रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कोई इंतजाम है कि श्रमिकों को कुछ खाने पीने को मिले। ऐसे में पीने के पानी की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत और लगातार ट्रेनों को जगह जगह घंटों रोकने की वजह से ये श्रमिक नाराज थे। कल रात को 11 बजे ये ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको पहले मुगलसराय कहते थे, वहां पहुंचती है, और रात में 11 बजे पहुंचने के बाद पूरे टाइम ये सुबह तक यानी करीब 7 बजे तक ये गाड़ी खड़ी थी। इसको देखते हुए जो श्रमिक हैं, उन्होंने बोल्डर्स निकाल करके वो पटरी पर रख दिए, और पटरी पर रख के इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया, और खुद उन्हीं श्रमिकों ने ये सारे पत्थर और बोल्डर्स वहां पटरी से हटाए, और उसके बाद अधिकारियों ने इस ट्रेन को रवाना किया है। तो लगातार जिस तरीके से पीने के पानी की दिक्कत हो रही है और खाने वगैरह की दिक्कत है, उसको लेते हुए ये श्रमिकों में रोष था, और इसी वजह से प्रदर्शन हुआ। हालांकि खुद पत्थर रखकर खुद उन्होंने हटाया, और उसके बाद अधिकारियों की सहमति से और मंजूरी से इस ट्रेन को अभी थोड़ी देर पहले निकाल दिया गया है समस्तीपुर के लिए। मुझे एक बात बताइए रणवीर, लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। इस बात से बहुत परेशान है तमाम यात्री। उस पर रेलवे विभाग की तरफ से कुछ कहा गया कि आखिर ये सब क्यों नहीं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए, रेलवे ने एक बात साफ कही थी कि जो भी स्पेशल ट्रेन चलेंगी उसमें पेंट्री की सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन यात्रियों को खाने पीने का इंतजाम कराया जाएगा। अब जब विशाखापट्टनम से निकली, जो दक्षिण भारत से बिहार आना था, तो बहुत लंबी दूरी है, और इस लंबी दूरी के दौरान पेंट्री नहीं है, और जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म पर लगने की जगह कभी आगे खड़ी होती है, कभी प्लेटफॉर्म के पीछे खड़ी होती है, कभी आउटर में खड़ी होती है। और कल भी जिस तरीके से ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के आउटर पर ये ट्रेन खड़ी थी, उसी को देखते हुए हंगामा हुआ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अगर खड़ी होती तो कम से कम पानी की व्यवस्था तो वहां पे हो ही जाती, लेकिन क्योंकि आउटर में खड़ी थी, ऐसे में पीने के पानी की किल्लत थी, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से खाना भी मुहैया नहीं कराया गया, और दो दिन से ट्रेन चल रही है, ऐसे में खाने के साथ साथ पानी पीने की जो दिक्कतें हैं, इसको लेकर फिलहाल अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने तुरंत किसी तरह से आनन फानन में व्यवस्था करा के ट्रेन को आगे निकाल दिया है, ताकि विरोध थम जाए। और खुद जो है ये श्रमिक जिन्होंने बोल्डर्स रखे थे और हंगामा कर रहे थे, उन्होंने जब अधिकारियों से इस बात की सहमति उनको मिल गई कि ट्रेन चलेगी, तो उन्होंने खुद इन पत्थरों को हटा दिया। जी,